सर कितना टाइम शादी को सर आपकी? 2.5 साल मैम. वेरी गुड गुड मैम. अरेंज मैरिज लव मैरिज? अरेंज मैरिज. सर एक बार सबको सोने की चेन दिखाओ. नहीं है आप चेनलेस हो? नहीं 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 एक ना पतली मिली थी क्या भाई आप? मैम कहाँ रखी है चेन? लॉकर है भाई. शादी के बाद एक मर्द का एक लौता गहना होता है सोने की चेन. गाइस रात में लक्स कोच के बीच में सोने की चेन तैर. कभी कुंडा यहाँ जा रहा है, कभी कुंडा वहां जा रहा है. कुछ सामान हो जो अंदर. भाई जिंदगी का सारा फन खत्म हो गया तुम्हारा यार सोने की चेन के साथ. 2.5 साल शादी को हो गया. अरेंज मैरिज गोइंग गुड. और सबसे हाईएस्ट कितना ऊपर वाला है? ऊपर वाला 30-35 साल शादी वाला. सर एक आप दिख रहे हो सर, अल्फा मेल तो आप ही हो इस रूम के सर. कहाँ है आपकी वाइफ? कहाँ है? यही बात होती है सर. अल्फा मेल अकेला ही आता है. उसको शादी का बंधन भी जगड़ नहीं पाया सर. मैं आपके साथ किस साथ आए हैं सर आप? बाजी कर रहे हैं सर आप? साली साहिबा आपके हस्बैंड भी आए हैं? वो हमें क्या पता सर. वो गवाह रखे हैं आपने, क्या रखे हमें क्या पता सर. आप पता नहीं सर. गुड टू सी यू सर. कोई बात नहीं. 30 इयर्स ऑफ मैरिज. उससे नीचे वाला शादी शुदा सर. एक और कोई कपल और कोई? मैम कितना सर? 21 सर. कोई बात काफी लोग वो क्या होता है. ये दिक्कत है पता आजकल जनरेशन की. 21 साल हो इनको लगता हो नहीं पाएगा. आपके हस्बैंड है कौन है मैम? ये तो मैम हो जाएगा मैम. क्या दिक्कत है? अरेंज मैरिज लव मैरिज? लव का मैरिज. इसमें दहेज नहीं मिलता बस. वो देखो रो रहा है वो आदमी. यार क्या हो गया भाई? नहीं मिला मिला नहीं मिला दहेज. क्या हो गया तुम्हारी मर्जी? सोने की चेन भी नहीं आए है. हाँ पैसे वाली पार्टी पर मैम गिफ्ट गिफ्ट ही होता है. 21 साल मैम. लव मैरिज अरेंज मैरिज मैम? लव मैरिज. ब्यूटीफुल सर. 21 साल पहले कैसे शादी हुई इफ मैं आस्क? ये सब टर्न ऑन हो जाते हैं इस बात को सुनते हुए कि कोई स्कूल का प्यार अभी तक चल पा रहा है. इनसे नहीं हो पा रहा ये 2 हफ्ते में. नहीं बोर हो रही हूँ मैं से यार. इट्स नॉट माय काइंड यार. जो फर्स्ट टाइम वाइफ आई थी अब आई नहीं रही है. कोई नहीं मैम. 21 साल पहले स्कूल में मतलब सेम क्लास था. सेक्शन ए और बी की कहानी है. मतलब आप पढ़ाते थे इसको? टीचर टीचर बेटा किताबें तो बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने मगर कोई चेहरा पढ़ा है? मैम कोई बात नहीं. इसमें आज थोड़ा सा बताना चाहते हो अदरवाइज आपकी पर्सनल चॉइस है वैसे तो. हाँ सर. सो आई यूज्ड टू विजिट स्कूल आफ्टर माय स्कूल. ओह नो. फिर ये वहां पे थी क्या? शी जॉइंड स्कूल एज अ टीचर लेटर ऑन. समझ गया सर. वही बात निकली. आसपास क्या वही बात है मैम. कोई दिक्कत मैम. एक की मम्मी देख पा रहा हूँ मैम. आप दोनों टीचर मैम. आप तो ऐसे लग रहे हो कोई सितार वादक कोई ऐसे लग रहे हो आप. लगा मुझे मेरे मुझे गुड मॉर्निंग निकलने ही वाला था. मैम दोनों क्या पढ़ाते हैं आप? मैं इफ मैं आस्क कहाँ क्या पढ़ाते हैं मैम आप? एजुकेशन में फिजिक्स में पढ़ाते हो. बच्चे समझ पा रहे हैं जिस हिसाब से आपने घुमाया है कि बेटा मैं आपके जवाब का आंसर दूंगी और आंसर का जवाब दूंगी कुछ तो करूंगी मैं आपका. कोई बात नहीं. बच्चे पास आउट हो पा रहे हैं मैम? पहली बार देखा टीचर कांपता हुआ. मैम कोई बात नहीं. गुड टू सी मैम. इंडियन मॉम सर क्यूट. आपकी मम्मी है? आपकी शादी होगी भाई? कोई ढूंढ रहे मैम इसके लिए? हाउ ओल्ड आर यू ब्रदर? 25. बस आने वाला है वो टाइम. 1-2 साल बाद. कोई दिक्कत नहीं आराम से. कोई गर्लफ्रेंड है कोई आपकी ऐसी? सर बुरा मत मानिए अगर आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दें तो इन निबों का उधार हो जाएगा सर. आप अभी भी साली को मार मार के हंस रहे कर रहे हैं यार देख रहे हो. मैं बता रहा हूँ सब लोगों ने ऐसे ऐसे किया आपको अंदर से. मैम 7 महीने में शादी को गुड. मैम क्या नाम है आपका? मैम प्राची. हाउ इज लाइफ? 7 महीने कैसे जा रहे हैं आपके? गुड है.
How will you rate him on Zomato? 10? Very good. अभी आपका ना बताऊँ, साथ में ना ये चंद्रमुखी का फेस है आपका. इसे चंद्रमुखी फेस कहता हूँ. इसमें ना आप एक दूसरे के प्यार में बेइंतहा पागल. जैसे मैम प्राची, आप कंसिडर करते हो आप इसको एक मैरिज मटेरियल की तरह? इज ये मैरिज मटेरियल फॉर यू, फॉर मैम आपके हस्बैंड और कोई पत्नी जिसको पत्नी? मैम आपके पति मैरिज मटेरियल है? बॉयज ये कोई तारीफ नहीं है. मैरिज मटेरियल का मतलब होता है कि मैं इसे चला लूंगी. ये मेरा पति नहीं, ये मेरा प्रोजेक्ट है जिसका मैं DIY करूंगी. किस साथ मैं आपके? कौन है ये? वाओ मैम, अभी भी चांस है. कहाँ मिले आप एक दूसरे से फ्योंसे? कॉलेज. मैं कह रहा हूँ जितने सिंगल लोग कॉलेज वापस जाओ. ये काम करो, अपना एक बार स्कूल रिविजिट करो. क्या पता अब तो टीचर की भी उम्र हो ही गई होगी शादी की. कोई बात नहीं सर. सर कहाँ मिले, मतलब कैसे? स्कूल से, कॉलेज से? MBA कॉलेज? नहीं, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज मेरा खत्म हो गया था. हाँ फिर उसका पोस्ट ग्रेजुएट चल रहा था. अच्छा सेम कॉलेज था बट कोर्स अलग था. गुड गुड यार. फिर देन उसके बाद उस टाइम ट्राई किया, नहीं हुआ, देन जॉब एक सिटी में लग गया. सोचा कि प्रपोज कर दूं. मतलब बीच में डेट वेट कुछ नहीं है? पर ये कोर्टशिप पीरियड, शादी कब है आपकी? अभी जनवरी में. वेरी गुड, ये कोर्टशिप पीरियड चल रहा है ब्रदर, बचा के रखना अपने आप को. ये सबसे टफ फेस है, पता है? इस वाले फेस में आप सबसे ज्यादा वो होते हो, वल्नरेबल. और आप ज्यादा करवा रहे हो आज. हाँ कराना पड़ता है. मेरा तो काम नारायण नारायण करने का है. सर इसको भी रखिए व्हाट्सएप ग्रुप में. सर इसको भी रखिए. तीन चार लड़के इकट्ठे कर लिए सर, फिर 20 लोगों का ग्रुप बनेगा. ठीक है, हंगरी पाइथन. कोई बात नहीं मैम. ठीक है मैम, क्या अच्छी लगी क्वालिटी आपको मैम कि आप इनसे शादी कर रहे हैं? इफ मैं आस्क. एक बताइए ताकि हम समझ पाएं ये लड़की इंप्रूव करेंगे अपने आप को. लगता है आपको बहुत अच्छी बात है. चलिए ठीक है. आप कभी खुद को समझ पाए हो? वही, कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है. आपका वो वाला फेस चल रहा होगा ना अभी, वो जो रात में बात करते होता है, वो बात करते हो रात में? अब रात में बात ही नहीं करते. रिलेशनशिप नहीं, वो होता अभी भी. अब वो फेस बदलना नहीं है. ये वाला फेस होता है जब रात में भाई तुम बात करते हो ना, बात करते हो मैं लगता खाने से पहले एक बार बात कर लूं फिर सो जाऊंगा. इनका लड़कियों का अलग होता है, बात करते करते भी तुम रो रही हो बस ऐसे. आ गया देखो, हाँ कह रहा, देख लो आ गया, बस बात है हमारा चला गया भाई. मैं बता रहा हूँ अभी यही वाले फेस पे. अब क्या होता है बेचारा ये आदमी काम करके आया, इसको लगता है सामने क्लाइंट रो रहा है. अब क्लाइंट सर्विस तो करना पड़ेगा ऐसा, देखा आप क्या है. फिर ये लगाता माथे पे टीका. समझो ऑफर बनता रात में 12:30 बजे कॉल सेंटर का मुकेश. आप अभी शो के बाद 12:30-11 बजे देखना, रोड पे जो घूम रहे होते हैं, छतों पे घूम रहे लड़के हाफ पैंट में घूम रहे होते हैं, ये सब कॉल सेंटर का मुकेश है. इनका क्लाइंट वहां रो दिया है. वो कह रहा त्राही माम आप बचाओगे मुझे. वजह कुछ नहीं है, बस रो दिए, बस खत्म बात. अब वो तब तक फोन नहीं रखेगा जब तक एक बार ये नहीं बोलेगी यू कैन ओनली मेक मी लाफ यार. कोई दिक्कत नहीं भाई, एक तो पगला है ये लड़का भी ना. एक बार देखो सब, देखा आपने, देखा इसको, देखा क्या नाम है भाई आपका? स्वरूप. तुम्हें देख के लग रहा है कि ना, इसको देखो, देख लिया आपने सबने? इसको लग रहा है इसकी वाली अलग है. लॉल ये सब एक ही थान के गाइस. मैम आपने 16 सोमवार रखे थे क्या इफ मैं आस्क? नहीं तो यही मिलेगा और क्या मिलेगा. मैम आपने मैम 16 प्राची 16 सोमवार. गर्ल्स प्लीज रखो आप. गर्ल्स प्लीज, आई एम टेलिंग यू गर्ल्स, फॉर योर सेफ्टी आई एम टेलिंग यू गाइस. कोई फायदा नहीं, आपने रखे थे, कहाँ है आप वाला, कहाँ है आपका वाला? हाँ तो खुश है ना वो. दुखी तो आप हो मैडम, आप अपना देखो ना. आप तो आप दोनों मैम चिंकी मिंकी लग रहे एकदम से. आप तो ना वो वाला, इनको देखा आपने, ऐसा लग रहा रील नहीं बनाती होंगी, रील और वाली मैं तारे पांव के धुती ना. आप पे वो पोटेंशियल है.
लग रहा है बना सकते हो आप, मैं बिल्कुल अच्छी बात है, आप चार लड़के नहीं हैं, आप अलग वाला कर ही लें एकदम से। ये आपके साथ ही हैं आपके सारे, ये बजरंग दल के एक्टिविस्ट सारे इकट्ठे आपके साथ आए, ये ग्रामीण सेवा में कितने लोग बैठ के आए हैं इकट्ठे, ये बताओ मुझे आप। मैम ये पूरा सब देवर हैं आपके फ्रेंड्स, ब्रदर मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा भाई क्या नाम है आपका, साहिल, ये आप गलती कर रहे हो। अपनी बीवी से शादी के 3 साल तक वही दोस्त बनाने चाहिए जो पता है कि टिक जाएंगे उसके सामने, क्योंकि अगर इन चारों में से कोई भी इसको लगा कि वो सही नहीं है तुम्हारा, तो वो तुम्हारा दोस्त था, ये धीरे धीरे काटती रहेगी कि वो मुझे सही नहीं लगता। तो तीनों बिहेव ढंग से करो, बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना भाई तीनों। कहाँ तक है ये तीन लोग आपके, गुड। और कैसे, सेम कॉलेज थे आप लोग, इंजीनियरिंग या? अरे गुड गुड, अच्छा। और तीनों की शादी नहीं हुई है, इसकी हो गई भाई, कोई बात नहीं। अरेंज घर में क्या कर रहे घर में यार, तुमसे कौन चुराएगा, तुम 5 चल रहे हो, कौन संभालेगा इनको, हाँ डाकू फैमिली से, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई बात नहीं। गुड़गांव भी है वैसे तो दोस्त, गुड़गांव ज्यादा दूर नहीं बचे, अब जयपुर भी गुड़गांव के अंदर ही आने वाला है, हम एक्सपेंड करते जा रहे हैं भाई, अभी कुछ नहीं बचे वाला, पर कोई बात नहीं, आपकी शादी हो गई कोई दिक्कत नहीं। तो ग्रुप में सबसे ज्यादा लास्ट शादी किसकी होने वाली है आपकी, एक तो बताऊँ भाई, जितनी जल्दी शादी कर लो उतना बढ़िया है, जितना आप लेट करते हो ना दिक्कत क्या ना, शादी का बजट बढ़ जाता है, क्योंकि पर प्लेट वही होगा, ये पूरी फैमिली के साथ आएंगे तो और लेट, बच्चा भी हो जाएगा साथ में, समझ रहे हो, तो तुम्हारा पर प्लेट बढ़ रहा है जितना। और ग्रुप की सबसे लास्ट शादी सबसे घटिया शादी होती है, क्योंकि उसमें ऐसा आता है जैसे एलुमनाई मीट हो रही है, सब ने बच्चे लेके बैठे हैं, ये क्या रो रहा है, मैं क्या करूं डांस करके। आप लास्ट मत करना, करते रहना, ठीक है, कोई बात नहीं। और अभी टाइम है इसका भाई, टाइम है आपका, कोई बात नहीं। क्या ढूंढ रहे हो लड़की में क्वालिटी आप शादी के लिए, इफ मैं आस्क, कंफर्टेबल इन टेलिंग, या आप 28 के आसपास तो लग रहे हो मुझे, 27 तो कोई बात नहीं। प्राची गर्ल्स रखो 1600 मार, ये बिना बात के रॉफल हो रहा है आदमी यार। प्राची मैं तो कह रहा हूं अभी से 20 रखो, 4 इसको अवॉइड करने के। अभी तुम्हारा चंद्रमा की फेस है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा इसके अलावा। तुम भाई मैं आपके साथ, साहिल भाई मैं आपके साथ ही हूं, कोई दिक्कत नहीं। साहिल साहिल ब्लिंक योर आइज अगर आप डेंजर में हो। करना शुरू हो गया, देखो करना शुरू हो गया वो, कि 7 महीने में हाल है इस आदमी का, देख रहे हो। अभी आपको साहिल अभी शादी नहीं हुई है, एज अ ब्रदर मैं आपको एक एडवाइस दिखाऊंगा, आपको एडवाइस दूंगा सीखना। अपने भाई को बचाना है मुझे, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप तो। साहिल ये क्या है बताओ, और क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट। साहिल ये पॉइंट है जो मेरी बीवी प्रूफ करना चाहती है, इसी की लड़ाई चल रही है घर में भाई समझा साहिल भाई, एकदम ऐसा लग रहा है साहिल को लग रहा है कि इसके लिए अलग आई है। साहिल कुछ नहीं होने वाला, ये सब एक ही थान के हैं, सबका 6 महीने बाद वही होने वाला। प्राची वीरा पगली है ये अभी तो गाना का, कैसे मुझे तुम मिल गए, क्यों मिल गया बोलेगी अब थोड़ी देर बाद। प्राची कोई दिक्कत नहीं, ब्लिंक क्यों रहा, अगर आप डेंजर में हो हम आपको भी निकाल लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ना, गिव मी लाउड शेयर गर्ल्स, एक बार मुझे बताओगे कोई भी, आपकी जिंदगी में 2 लोग आइडल होते हैं मैक्सिमम गर्ल्स के, एक पापा एक जिया जी, यस या नो, यस आई कैन टेल यू मैम, ये होता, ये बड़ा दिक्कत वाला काम, पता आपको, ये लोग पता जिया जी के ऊपर किताब लिख सकती हैं, जिया जी द अनसंग हीरो, सॉरी द अनसंग हीरो, ये मुझे अभी एकदम से बात याद है, पता है जैसे लड़की से मिला था शादी के लिए, मुझे अभी तक याद है वो लड़की, उसने जिया जी की पूरी कहानी सुना दी, और इनको ना जो जिया जी के बारे में बता रहा है वो इनकी बहनी बता रही है कि जिया जी इतने महान है, जिया जी इतने महान है, आप यकीन मानो शादी के 2 दिन के बाद दीदी की अंगूठी गिर गई थी शादी की, समझ रहे हो आप, तो उन्हें लगा कि एकदम जिया जी गुस्सा करेंगे, तो जिया जी के पास गई, कह रही अंगूठी गिर गई, तो जिया जी ने कहा अरे तुसी ले आऊं, मैंने कहा बीवी
कह रहा नहीं नहीं अंगूठी, जिया जी इतने महान है। कह रहे दीदी प्रेग्नेंट थी, दीदी को उल्टेरी, जिया जी ने आगे हाथ कर दिया। इतने महान जिया जी हैं। एक बार जिया जी गए मॉल में दीदी के साथ, बैठने की जगह नहीं थी, जिया जी खुद स्टूल बन गए, खुद ऐसे बैठ गए थे। यहाँ पे स्टारबक्स की कॉफी रखी थी जूते पे इन्होंने अपने, ऐसे कि दीदी को दिक्कत ना हो। इतने महान जिया जी हैं, पता आपको? गलत बोल रहा हूँ मैं आपको? आपके भी ऐसी जिया जी हैं प्राची? आपके इससे मत मिलवाना। बता दिए जिया जी कितने महान हैं। हाँ कैसा लगा, नॉर्मली लगे आपको? पता है तभी इन दोनों क्या बोलते हैं आपस में, क्या बोलते हैं उनको, इनको ये सड़ चुके होते हैं, सड़े होते हैं ये एक दूसरे के साथ। मेरी वाइफ ने बताया कि मेरे जिया जी इतने महान हैं। मैंने कहा एक दिन जाना चाहिए। मैं घर में गया, मैंने कहा देखना है मुझे यार ये कि कुछ तो हो इनके घर में। मैं बैठा ऐसे सोफे पे, वो सामने से बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, उन्हें पानी ले आऊं तो एक उठा एक बैठ गया। इक्विलिब्रियम मेंटेन था पूरे घर में, ऐसा लाइट बंद कर दूं चला दूं ऐसे ऐसा। मैंने कहा क्या स्विफ्ट कोऑर्डिनेशन चल रहा है, ये तो सच में इतने अच्छे लोग होते हैं। फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला आधे घंटे बाद, कह रहे हम भी निकलते हैं तुम्हारे साथ, तुम अपनी गाड़ी से निकलो, हम अपनी गाड़ी में। कहा चलो निकलते हैं। उनकी गाड़ी की चाबी ना यहाँ रखी थी मेरे, मैं थोड़ा चिपक गया उस पर। मैंने कहा अब देखते हैं क्या होता है। जी जी ने बोला दीदी से वो गाड़ी चाबी तुम्हें पता होगा तुमने रखी है। फिर शुरू हो गए, अरे तुम्हें पता तो होगा, मुझे क्या पता। और फिर शुरू, तुम्हारा तो रोज का ही है ये। मैंने कहा और लाओ मसाला लाओ, और तुम कल बच्चों को भूल गए थे, और लाओ। मैंने कहा यही तो चाहिए मुझे। उन्होंने बीवो कह रहा, मैंने कहा देखिए ये नॉर्मल लोग हैं, अलग से नहीं आते ये। मैम आपने तो, मैम क्या अच्छी लगी क्वालिटी आपको 21 साल के रिलेशनशिप में, 21 साल चलाने के लिए रिश्ता क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? इफ मे आस्क, इफ कंफर्टेबल इन टेलिंग, ताकि बहुत नए लोग हैं यहाँ पे, साहिल तो ब्लिंक कर ही रहा है। प्लीज इफ यू गाइड या इफ यू कैन गाइड या प्लीज मैम। सर कोई दिक्कत नहीं सर, साहिल मैं आपको एक और लास्ट एडवाइस दे रहा हूँ उनको देख के। साहिल तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मैं शो अभी, जितना जल्दी सीख जाओगे तुम्हारा फायदा होगा। देखो साहिल, अगर तुम्हारी बीवी ने तुम्हें कोई काम कहा और तुम ना कर पाए तो तुम तो हो ही लेजी। उसे पता था कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की नहीं है। पर अगर तुमने तुम्हारी बीवी कुछ काम कहा और वो ना कर पाई तो उसके पास तो 100 काम है ना, उसे धरती घुमानी है, सूरज को कॉल टाइम देना है, बादलों को बैकअप पे रखना है, उसे पूरी सृष्टि चलानी है मेरे भाई, तो उससे कोई काम छूट सकता है, तुमसे नहीं। मैं सिखा रहा हूं प्राची, मैं सिखा रहा हूं उसको। प्राची ब्लिंक योर आईज, 7 महीने में दोनों ब्लिंक करते देख रहे हैं।